नमस्कार दोस्तों, आप सब देख रहे हैं अनमोल बनारस यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप लोगों को हम दिखाने हैं बनारस में दुर्गा पूजा की तैयारी, और ये जो जगह है नई सड़क है, आप लोगों को हम दिखाने आए सनातन धर्म इंटर कॉलेज का दुर्गा पूजा पंडाल, और यहाँ पे तैयारी कैसी चल रही है वो आपको चल रहे दिखाने। और ये रोड देख लीजिए दोस्तों आप लोग, इस सीधे चला जाएगा गुदलिया की तरफ, और ये रास्ता जाएगा सीधे लौरावीर की तरफ, और ये सामने आपको दिखा रहे सनातन धर्म इंटर कॉलेज। और इस बार सनातन धर्म इंटर कॉलेज में बहुत ही भव्य तैयारी चल रही है दुर्गा पूजा की, और किस थीम पे बनाया जा रहा है वो आपको भी बताएंगे दोस्तों। आज दोस्तों है 30 तारीख और दिन शनिवार है, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे घड़ी में, और ये लगभग हम पहुंच चुके हैं। ये सामने देखिए, अब धीरे धीरे पंडाल तैयार हो रहा है। अभी तो कोई कारीगर तो हमें नज़र नहीं आ रहे हैं, और यहाँ पे दोस्तों एक लोगों से बातचीत वगैरह हुई है, तो उन्होंने हमको बताया है कि यहाँ पे जो पंडाल बन रहा है बाबा केदारनाथ का पंडाल बन रहा है, और बहुत ही भव्य यहाँ पे माँ दुर्गा की प्रतिमा होगी, और ऐसे से बहुत सारे यहाँ पे दृश्य दर्शाए जाएंगे। मैं मुकेश जायसवाल, श्री दुर्गा पूजा समिति महासचिव। इस बार 2023 में कैसी तैयारी चल रही है? सर, तैयारी तो हमारी पूरी संपूर्ण चल रही है, और कुछ तैयारियां यहाँ पे न हो करके अपने कारखाने में पंडाल वगैरह का कार्य भी हो रहा है, जो रामनगर में पंडाल निर्माता मनोज सेठ अपने कारखाने में केदारेश्वर जी का स्वरूप का वो संपूर्ण प्रदान कर रहे हैं। अच्छा, अगर हम पिछले साल की बात करें तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना था। देखिए, हम समिति के दो लोग जय और वीरू की एक पहचान मिली, जनता ने मुझे हम दोनों को पहचान दिया जय और वीरू के रूप में। तो हम लोगों ने जनता से एक वादा किया कि साल दर साल उनको 12 ज्योतिषलिंग का काशी में बैठे बैठे दर्शन कराएंगे। पहले अध्याय में हम लोग काशी विश्वनाथ कॉरिडोर 2022 में दिखाए, और इस वर्ष 2023 में केदारेश्वर कॉरिडोर का निर्माण करवा करके जनता को दर्शन हेतु दर्शन करवाएंगे, भव्य दर्शन करवाएंगे। और इस बार जैसे सुरक्षा के तो कड़े इंतजाम रहेंगे या कैसे रहेंगे? सुरक्षा के हर साल कड़ी व्यवस्था समिति करती है, वॉलंटियर से लेकर बैच बिल्ले से लेकर पानी सीज फायर हर चीज़ जनता के लिए, श्रद्धालु के लिए गेट के बाहर से लेकर पूरे पंडाल से एग्जिट तक पूरी जनता की पूरी सुरक्षा जो है समिति अपने कंधे। कितने लगाए जा रहे हैं? हमारे समिति के कम से कम 500-600 लड़के हैं जो बैच बिल्ले के साथ बाहर से लेकर के पूरे पंडाल के अंदर और एग्जिट तक पूरे मौजूद रहते हैं 4 दिन 24 आवर्स। सर, 2022 में जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक शो हुआ था वो करीब बहुत कम मिनट चला था, 1.5 से 2 मिनट का था, इस बार कैसा रहेगा? देखिए, शो तो भीड़ के ऊपर आधारित होती है। हम लोगों की स्वचालित प्रतिमा जो शो बनता है वो 5 से 7 मिनट का बनता है, लेकिन भीड़ को देखते हुए उस शो को कम कर दिया जाता है कि भीड़ का भार न बढ़े और जनता पे कोई ऐसी घटना न हो सके जिससे कि हम लोग के ऊपर कोई आलछन आए, इसलिए हम लोग सुरक्षा की दृष्टि से शो को और कम कर देते हैं। किस कहानी पे आधारित ये जो पूरा शो चलेगा? हम लोग हर साल एक नई कहानी लेकर के जनता के सामने आते हैं। इस वर्ष द्वारकासुर की कहानी लेकर के जनता के बीच में आ रहे हैं, जिसने महादेव जी को बंदी अपना द्वारपाल बनाया था, उसको छुड़ाने के लिए काली जाती हैं, माँ काली जाती हैं, लेकिन माँ काली अपने रूप में द्वारकासुर का वध नहीं कर सकती हैं, इसलिए माँ दुर्गा के रूप में वो द्वारकासुर का युद्ध करेंगी और भोलेनाथ को आज़ाद कराएंगी। इस बार तो बनारस में देखा जा रहा है काफ़ी ऊँचे ऊँचे पंडाल बन रहे हैं, क्या आपके भी पंडाल वगैरह बहुत ही भव्य बनेंगे?
हमारे पंडाल जो है हाइट तो होता ही है, लेकिन इतनी नहीं होती है कि जितना सीमा के बाहर हो। कि इस बार बहुत ही भव्य पंडाल, हाँ इस बार बन रहे हैं, कई पूजा पंडालों में बन रहे हैं, अच्छी बात है। सारे लोग बढ़ चढ़ करके इस नवरात्र में हिस्सा ले रहे हैं, हर समिति ले रही है, लेकिन हम लोग जो स्वरूप देते हैं वो एक अलग होता है। जैसे कि काशी डोर हम लोगों ने बनाया, काशी विश्वनाथ कारी डोर, तो उसमें चार नंबर गेट से लेकर के अंदर से पूरी अलाकृति जो भी अंदर थी वो सारा दर्शाया गया। उसी तरह केदारेश्वर कारी डोर में जो भी चीज़ है एक एक कण कण में वो सारी चीज़ पंडाल के स्वरूप में दर्शाई जाएगी और जिसको जनता। और एक और चीज़ है जो स्वरचलित प्रतिमा के साथ चलेगी, आकाश और बादल, भोलेनाथ स्वयं प्रकट होंगे और माँ दुर्गा आएंगी, उनको मुक्त कराएंगी। और उसके बाद प्रतिमा की हाइट और उसकी कोई अहमियत नहीं है। और जैसे बाबा केदारनाथ में देखा जाता है ऊँचे ऊँचे पहाड़ों पे जो ग्लेशियर बर्फ वगैरह रहते हैं, क्या वो चीज़ भी दर्शाया जाएगा? हम लोग जितना भी केदारेश्वर के स्वरूप में पहाड़ है, बर्फ की पहाड़ है, जो भी है उसको एक एक पूरा करने के प्रयास कर रहे हैं। और हमारे पंडाल निर्माता दिल से लगते हैं, उनके कारीगर बेस्ट से बेस्ट फाइन आर्ट्स के आते हैं, जो पेंट से लेकर के हर एक चीज़ में कलाकृति दर्शाते हैं जनता के बीच में। जो आने वाले श्रद्धालु हैं वो जैसे नवरात्र के सप्तमी वाले दिन आएंगे तो शो कितने बजे स्टार्ट हो जाएगा? हम लोग की सप्तमी को शो शाम को 7 बजे से प्रारंभ हो जाएगा, जो दसवीं तक चलेगा। एकादशी को विसर्जन सनातन धर्म 44 साल से करती आई है और इस वर्ष भी एकादशी को ही विसर्जन करेगी। जैसा कि दोस्तों आप ये पूरा नज़ारा देखिए इधर का, चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, हमें दीजिए इजाज़त।